सेल्स फिगर्स आई हैं, टाटा मोटर्स की सेल्स नंबर्स आए हैं, आयशर एस्कॉर्ट्स, अशोक ललन के नंबर्स आए हैं, ये सारे हाल आप कंपाइल करके लेकर आते हैं। पैसेंजर व्हीकल में थोड़ी सी हिट जरूर मारुति के लिए रही है, वही सप्लाई चेन के इशूज, लेकिन एट द सेम टाइम टाटा मोटर्स के पीवी नंबर्स इंप्रूव हुए हैं और इनफैक्ट उन्होंने तो कहा है वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर, वन ऑफ द बेस्ट मंथ रहा है उनके। देखिए मैं आपको बताऊं कि टाटा मोटर्स से मैं एक क्विक व्यू देना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल है डिवीजन है वो बहुत मेजर तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है हर आए दिन। अभी उन्होंने जो एसयूवी सेगमेंट है, एसयूवी के अलावा भी सेडान भी, नेक्सॉन तो एसयूवी नहीं है, वो सेडान और एसयूवी के बीच की एक तरह से है, लेकिन हाँ हैरियर अच्छी बिक रही है, नेक्सॉन अच्छी बिक रही है और ईवीज बहुत अच्छी बिक रही है, तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है, जो लॉस्ट मार्केट शेयर था वो वापस ला रहा है। लेकिन बुरी खबर क्या है, बुरी खबर ये है कि टाटा मोटर्स का नाम होना चाहिए था JLR मोटर्स। तो 10-12% वैल्यू आपकी टाटा मोटर्स स्टॉक में पैसेंजर व्हीकल से आती है, तो अगर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक देसी कहावत है, तो अगर इतना छोटा सा हिस्सा है इनका, अगर वो आउट परफॉर्म कर रहा है, सीवी भी थोड़ा सा वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 95% वैल्यू इनको अभी JLR की मिलती है। एक बार के लिए ना पिछले हफ्ते जब चाइना रीओपनिंग की थीम आई, फील रीओपनिंग की जब न्यूज आई, तो उस दिन टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, क्योंकि लेकिन रोज नहीं हो पाया, लेकिन हर रोज वो सस्टेन नहीं हो पाया। नहीं, दिक्कत है इस स्टॉक के अंदर, दिक्कत है मेरे हिसाब से 550 एक बार ईवी डिवीजन में स्टेक सेल के टाइम पे जो टॉप बना था वो 420 नीचे 380 और ऊपर 420 के बीच में ये अटकता रहता है। ये इनका फोर्ड सारण प्लांट जो है उसे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल गए हैं, तो वहां से अब हो सकता है प्रोडक्शन और सब कुछ ऑपरेशनली शुरू हो जाए, बट वो देखना होगा कि वहां बनती क्या है, क्या बनता है। अगर सीवी बनती है तो थोड़ा अच्छा है, अगर पैसेंजर व्हीकल ही बनाएंगे तो 12% आपका वैल्यू पैसेंजर व्हीकल से आता है, कितना भी आउट परफॉर्म कर ले स्टॉक को नहीं चला सकता वो। राइट, ठीक है। मामाक्षी इनफैक्ट हमारे साथ लाई है सारा डेटा कंपाइल करके। मामाक्षी के पास बहुत इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं, ऑटो स्पेस से जुड़ी हुई, स्टील पैक से जुड़ी हुई। मामाक्षी क्या क्या है आपके पास लिस्ट में? जी बिल्कुल, पहले शुरुआत करेंगे ऑटो सेल्स नंबर्स से जो हाई है। मारुति सुजुकी ने नंबर्स रिपोर्ट किए थे 1.3 लाख 9 यूनिट्स के, जो हम देखें अगर तो 9% की गिरावट हमने देखने मिली है, जो इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। टाटा मोटर्स ने हालांकि मिक्स सेट ऑफ सेल नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, पीवी सेल्स उनकी 14% तक बढ़ी है, 40,407 यूनिट्स पर आई है, मगर ये अनुमान से काफ़ी कमज़ोर है इनकी पीवी सेल्स। सीवी सेगमेंट की बात करें तो नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेड रहे हैं। आयशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर सीवी सेल्स में हमने 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पिकअप नजर आया है। उसके अलावा मोटरसाइकिल सेल 68,400 यूनिट्स पर आई है, जो 7% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मगर ये ओवरऑल देखें तो एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर रही है सेल्स। हालांकि हम देखें तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स और सीवी सेगमेंट में अनुमान से काफ़ी मजबूत आई है। एस्कॉर्ट्स के नंबर्स हमने देखे, रिपोर्ट उन्होंने किए हैं 5,573 यूनिट्स के उन्होंने रिपोर्ट की है, जो लार्जली इन लाइन विद एस्टिमेट्स रहे हैं। अशोक लेलैंड की तरफ से हमने देखा कि हाल ही में उनके दिसंबर सेल्स नंबर्स आए हैं, 18,138 यूनिट्स उन्होंने बेचे हैं, 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमने देखी है। कॉमेंट्री भी एक बार देख लेते हैं तो मारुति सुजुकी का मानना है कि इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स की शॉर्टेज का इम्पैक्ट हुआ है प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स पे। टाटा मोटर्स ने का कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मजबूत रिप्लेसमेंट डिमांड फोर्थ क्वार्टर से। पीवी सेगमेंट ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली और मंथली रिटेल सेल्स रिपोर्ट किए हैं, और ईवी सेगमेंट ने भी हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट किए हैं। एस्कॉर्ट्स का मानना है कि रूरल सेंटिमेंट्स अभी भी फेवरेबल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आयशर मोटर्स के दोनों ही सेगमेंट्स के लिए नंबर्स काफ़ी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। टाटा मोटर्स के सीवी सेगमेंट के लिए नंबर्स अनुमान से मजबूत रहे हैं, मगर उनकी जो पीवी सेगमेंट है अनुमान से कमजोर नंबर्स आए हैं, और मारुति और एस्कॉर्ट्स के लिए जो नंबर्स है वो लार्जली इनलाइन है। ऑल राइट, तो मारुति के लिए थोड़ा सा चैलेंज पीवी सेगमेंट में, सीवी सेगमेंट अच्छे नंबर्स आए हैं, और साथ ही जितने भी कमर्शियल हुए और साथ ही रूरल थीम से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स है वहाँ नंबर्स अच्छे आए। ठीक है, शुक्रिया मामाक्षी, आपसे भी ब्रोकरेज हाउसेज भी समझेंगे, रिव्यूज भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले, इस बीच हमारे साथ पैनल पे धर्मेश शाह भी बने हुए हैं टेक्निकल नजरिया देने के लिए।